परसेप्शन, मेरा परसेप्शन फैशन की दुनिया के बारे में वही है जो आई थिंक हर पूरी जनता का परसेप्शन है कि बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड है, काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, क्रिएटिव बिजनेस है, मनी है, फेम है, ग्लैमर है, हार्डशिप्स भी हैं. तो आई थिंक मेरे अपनी परसेप्शन वही है जो आप सबका है, और मेरे पास कोई ऐसी खास इंसाइट नहीं है फैशन की दुनिया के बारे में, अगर वो आप पूछ रहे हैं. तो जो हमारी फिल्म भी है ऑन द रैम्प, वो भी इन्हीं चीज़ों पर आधारित है. फैशन की दुनिया का जो ग्लैमर है, पैसा है, फेम है, और उसके पीछे जो हार्डशिप्स होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड है ऑन द रैम्प. सर, ये भी जानना चाहूँगा, देखिए मैंने हमेशा यही कहा है, मेरा एक थ्री टीयर सिस्टम होता है फिल्म सिलेक्ट करने का. सबसे पहले स्क्रिप्ट, फिल्म की कहानी क्या है, मुझे पसंद है, क्या मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी. दूसरा होता है मेरा रोल क्या है, क्या मैं वो रोल कर सकूँगा, करना चाहूँगा. इस फिल्म में तो मेरा लीड रोल है जो कि मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो इसमें तो सवाल ही नहीं होता है. लीड रोल होता है तो मेरे पहले अंगूठे तो खड़े हो जाते हैं. हालांकि फिल्म की कहानी भी बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, और लास्ट जो मेरा क्राइटेरिया होता है वो यही होता है, और ये फिल्म के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर, उनके साथ मेरा जो कॉमन एक, मैं उनके नज़रिए से फिल्म देख पा रहा हूँ कि नहीं, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, क्या एक अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है. इसीलिए जैसे इमरान भाई के साथ मेरी बहुत मोहब्बत है. और बिल्कुल करते हैं, फिल्म देखो ना, कौन बोला नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्शन भी करते हैं, डांस भी करते हैं. अगर अफवाह मत फैलाओ यार, बिना फिर से पूछे थे, समझ में नहीं आई. नहीं, जस्टिस मतलब अब इसमें कोई ऐसा लिख के तो कोई लाता नहीं है कि इसको इतना मिलना है, उसको इतना मिलना है ना. तो मतलब मैंने जो आई थिंक मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे मिल रहा होगा. ये कहना बहुत ही मतलब मुनासिब नहीं होगा कि मैं कहूँ कि नहीं, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं मिला. मेरे पास आज जो भी है वो ये इंडस्ट्री से ही मिला है मुझे. ज़्यादा क्या मैं ज़्यादा चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ. कौन नहीं चाहता. देखिए कमर्शियल फिल्म्स पे मैंने काफ़ी बार कोशिश की है. मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी मैंने रोल्स किए हैं, लीड रोल्स नहीं बट एटलीस्ट मतलब इम्पोर्टेंट रोल्स किए हैं. मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट किस्म का मेरा करियर रहा है. मेरे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, या किसी बड़ी फिल्मी हस्ती के साथ, या प्रोडक्शन हाउस के साथ, कि मुझे कोई स्पेशल यू नो ब्रेक्स मिली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. तो मुझे कहते हैं ना, जो रगड़ा काके ही काम मैंने किया है, तो उस दौरान मुझे मिले हैं लीड रोल्स. बट जैसा आप कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम लीड रोल्स से शायद उतने मौके नहीं मिले हैं, मुझे कम ही मौके मिले हैं. बट आई एम श्योर मेरे से भी बदतर लोग हैं जिनको उतने मौके भी नहीं मिले हैं. मेरी खुशनसीबी. और क्या कहते हैं एज एन एक्टर उनके बारे में आप? बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं. उनकी एक्टिंग के बारे में बताइए कि ऐसा क्या खास लगा आपको अभी तक देखिए? ये रोल के कोर तक अंदर घुसते हैं. बहुत डीप एक्टर. यस, हेल्प इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म. ऊपर वाले की देन है भाई, जो हम जैसे जो बेरोजगार हैं उनकी प्रार्थना सुन ली ऊपर वाले ने, और एक नई टेक्नोलॉजी बना के एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है. सर देखिए, मैं आपको एक, ये मुझे बहुत लोग आजकल पूछते हैं, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ. आपकी उम्र लगभग मेरे से थोड़ी छोटी होगी शायद. तो जब हम लोग, आपको याद होगा, छोटे थे तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, ठीक है. तो जब दूरदर्शन के बाद जब बाकी चैनल्स आए तो सबको लगता था कि यार दूरदर्शन अब कौन देखेगा.
फिर भी लोग दूरदर्शन देखते हैं अभी भी, जो रूरल एरियाज में वगैरह में आप देखेंगे दूरदर्शन बहुत बढ़िया चलता है, अभी भी उसकी रीच बहुत है, बस मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी सुपर हिट हो जाए। ठीक है सर, इसके अलावा अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन में है लेकिन फ्यूचर विल डू। और हम लोग एक मूवी नहीं चालू कर रहे हैं आफ्टर टू मंथ्स, द वी आर द वर्क इज गोइंग ऑन द स्क्रिप्ट नाउ, सो आई थिंक वी विल स्टार्ट इन 2 मंथ्स। थैंक यू जी। हां वाओ, एंड आई विल लव वाओ वाओ, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी, जितने भी जन ने मूवी के पीछे जितनी भी मेहनत की एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन लोग के लिए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।